हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमने ग्रुप बनाया है इसमें हम केवल मेरिट का मींस नेशनल मेरिट का मींस जो एग्जाम होने वाला है 2 तारीख को, 2 मई को, उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है। तो इसमें हम और कोई भी पोस्ट नहीं डालेंगे। क्लियर? आज हम जो सवाल करने वाले हैं वो हम डाइस के ऊपर सवाल करेंगे। मैंने बोर्ड पे बनाया है डाइस, ठीक है। अब मैंने ये डाइस आपको दिखाने के लिए ये मैंने परचेज किया अभी। अब मैं बताती हूँ आपको कि डाइस जो है ये स्टैंडर्ड डाइस है, जिससे कि हम लूडो वगैरह खेलते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है कि जब हम इसको देखते हैं ना, देखिए ये सामने से इसके 3 फेस दिखाई देते हैं। कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? जैसे हम जब इसको ऐसे देख रहे हैं तो एक ये फेस दिखाई देगा, एक ये फेस दिखाई देगा और एक ऊपर वाला फेस दिखाई देगा, ठीक है ना। ये देखिए जो मैंने बनाया ना फिगर में, ये दो ये फेस दिखाई देते हैं हमको, 3 केवल, है ना। टोटल फेस कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल क्यूब है ये, है ना, घन है। और इसके 6 क्या है? फेस है, फलक है, ठीक। अब इन 6 फेसेस में हमको केवल 3 दिखाई देते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम डाइस बनाएंगे हमको ये 3 फेस दिखाई देंगे। अब इनका इस डाइस वाले सवाल में हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि ये वाले जो फेस हमको दिख रहे हैं ना, उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। जैसे हमको दिख रहा है, मान लो यहाँ पर ये 5 दिख रहा है मुझे, आप लोगों को पता नहीं कौन सा दिख रहा होगा, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है 6, तो 5 और 6 कितने होंगे? 11 होंगे, है ना। लेकिन जो फेस अपोजिट में बनेंगे, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में बनेंगे, उनका योग हमेशा 7 होगा। जैसे ये कितना है, कितना दिख रहा है आपको? 6। अब 6 के जस्ट उल्टे में देखेंगे तो आपको कितना दिखेगा? 6। एक सेकेंड, ये कुछ देखिए, जैसे ये 2 है ना। अब 2 के अपोजिट कहाँ है? ये तो कितना है? ये 5। मतलब 2 के अपोजिट जो फेस होगा उसमें कितने होंगे? 5 होंगे। तो 5 + 2 कितना हुआ? 7 हुआ। सिमिलरली ये जो फेस हमको दिख रहा है इसमें कितने हैं? 4। अब 4 के अपोजिट में हम देखें तो यहां पर कितने आ गए? ये 3। तो 4, देखो ये 3 है ना, 3 के अपोजिट में देखो ये 4 है, तो 4 और 3 कितने हुए? 7। तो जब भी आपको पूछा जाएगा डाइस वाले सवाल में कि फेस में दिखाएंगे वो कि ये 3 है, ये मान लीजिए 4 है और ये 5 है ना। तो ये देखो डाइस हम जोड़ के देखते हैं, 5, 4, 9, मतलब स्टैंडर्ड डाइस है ये। इसके पीछे 3 के पीछे अपोजिट में पूछा जाएगा, सॉरी इसको मैं 6 कर देती हूँ। तो जब 3 के अपोजिट वाला पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे? क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट फेस का फलक का जो यहाँ पर नंबर अंकित है ये, और इसके अपोजिट ये, 5, 2, 7। तो 7 में से हम अगर 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 4। तो हमारे यहाँ 3 के अपोजिट फेस कितना होगा? 4 होगा, 7 में से निकाल देंगे तो। क्लियर हो रहा है? अच्छा, ये 5 है, 5 के अपोजिट पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे? 7 - 5 मतलब 2, ठीक। 6 के अपोजिट पूछेंगे तो 7 में से 6 निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 1। तो देखिए सारे नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे डाइस के हमारे नंबर आ गए। तो डाइस के सवाल बहुत इजी आएंगे, केवल आपको ये बताना रहेगा कि अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर है ना। तो अपोजिट फेस पे जो नंबर आपको दिख रहा है, जैसे 3 दिख रहा है, तो 3 को आप क्या करेंगे? 7 से घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। आपको यदि 5 दिख रहा है और 5 का अपोजिट पूछा है तो 7 में से 5 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो एक हम प्रॉब्लम करके देखते हैं, इसी डाइस में यदि पूछा जाए हमसे, एक हमने डाइस बनाया, डाइस बनाया, इसमें आपको नंबरिंग कर दी, यहाँ पर 1 कर दी, यहाँ पर 5 कर दी, यहाँ पर मान लीजिए 3 कर दी, है ना। अब मुझे बताइए कि 1 के अपोजिट में कौन सा फेस होगा? देखिए इसमें प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम, ये 1 है, 1 के अपोजिट में कौन सा होगा? 6, है ना, क्योंकि 6 और 1 क्या होता है? 7 होता है। तो और अगर 3 का अपोजिट पूछा, देखिए ये 3 का अपोजिट देखिए 4, तो 4 × 3 कितने होते हैं? 7। अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको और आप डाइस संबंधी सारे सवाल कर सकेंगे, ठीक है। तो करिएगा, और यदि कोई डाउट हो तो प्लीज आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सभी स्कूल के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप में। थैंक यू।